हनुमान टोरिया परिसर में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चित्रकूट से आए हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल द्वारा आंखों के मरीजों की जांच की गई। जांच में आधा सैकड़ा से ज्यादा मरीज मोतियाबिंद के मिले, जिनका सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट में इलाज किया जाएगा। हनुमान टोरिया सेवा समिति की ओर से सदगुरु सेवा चित्रकूट के सहयोग से आयोजित इस नेत्र शिविर में सुबह से ही आंखों के मरीजों का पहुंचना शुरू हो गया था और देर शाम तक करीब 5 सैकड़ा से ज्यादा नेत्र रोगियों ने अपनी आंखों का इलाज करवाया। ये इस वर्ष का 6वां शिविर है और यह शिविर स्वर्गीय प्रदीप प्रसाद बरसैया जी की स्मृति में उनके पुत्र कमलेश बरसैया और नाती निक्की बरसैया जी के सहयोग से और सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के संयोजन में यह शिविर लगाया गया था और आज लगभग 230 मरीजों के पंजीयन हुए हैं और अभी तक 30 मरीज जाने को तैयार हैं और मरीज बढ़ भी सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि निरंतर 7 वर्ष हो गए हैं शिविर को और प्रतिवर्ष की 26 तारीख को, प्रत्येक माह की 26 तारीख को ये शिविर लगाया जाता है। तो इस बार जो शिविर में अपनी जांच नहीं करा पाए हैं वो अगले महीने की 26 तारीख को अपनी जांच करा सकते हैं। अब आधार कार्ड लाना बहुत आवश्यक है क्योंकि बिना आधार कार्ड की जांच नहीं की जाएगी, ना ही चित्रकूट ले जाया जाएगा।